Enemies ahead! हेलो गाइज, हाजिर एक और नई कमाल की वीडियो के साथ। आ चुके हैं गाइज हम पोचंकी, और इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि लास्ट में जो मेरे साथ स्कैम होने वाला है ना गाइज, भाई मतलब मुझे बहुत दुख है इस बात का जो मेरे साथ स्कैम हुआ। क्या वो स्कैम हुआ वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ पोचंकी में, और चारों तरफ भसड़ मची हुई है। कुल मिला के काफी ज्यादा यहाँ पे बंदे आए हुए हैं, और यहाँ पे मुझे कोई भी गन अभी तक नहीं मिली है। फिलहाल अभी मेरे को जो शॉर्ट गन्स मिली है इनसे ही मुझे काम चलाना पड़ेगा, और जो अभी मैं सामने वाली टीम के साथ जो स्कैम करूंगा ना, हाँ, वो आप देखो। गाइस जो स्कैम मैंने इसके साथ करा उसका पूरा किल यहाँ पे चुरा लिया मैंने सही में। और पीछे की तरफ बहुत ज्यादा भसड़ मच रही है, दो टीम्स आपस में भिड़ रही हैं, और ऊपर एक बंदा कैम कर रहा है। गन ले दे, बंदा आ रहा, मैक्स बंदा सीढ़ियों पे आ। क्रेजी गाइस, इसको निपटा के अभी इतना ही में मामला ठंडा नहीं होता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे बंदे जिनको अभी हम मारना बाकी है, तो मुझे पीछे की तरफ से आवाज आती है कि भाई यहाँ पे भी जो है आपस में दो टीमें लड़ रही हैं, जिनसे एक टीम तो शायद निपट लेती है और एक टीम को हम निपटाएंगे। मेरे सामने, बहुत बढ़िया, क्या ले रहा है? हाँ ले ले। क्या लगता है गाइस, मैं बच पाऊंगा या नहीं, क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मुझे अभी बताओ वीडियो को पॉज करके। अगर मैं यहां बच जाता हूं तो भाई इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा आपको। हां दोनों बचे, एनिमीज अहेड, तू हील कर, यहीं पे मैं स्मोक डाल रहा, लेड आ गया मैं स्मोक। गाइस इतनी गंदी वाली यहाँ पे भसड़ मची हुई है, और यहाँ पे मैं आपको बोल के नहीं बताऊंगा, जो भी आपको देखना है ना आराम से देखो, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे मजा आने वाला है इस फाइट में। भाई सामने बंदे रैंक पुश कर रहे हैं और हम भी रैंक पुश कर रहे हैं, अब यहाँ पे बचना एकदम से नामुमकिन जैसा हो गया था। अगर हमारे पास इतने स्मोक नहीं होते ना, तो शायद आगे जो हो रहा है वो नहीं हो पाता। तुमने जैसा कि देखा मैंने उसको 1 HP करा था, 1 HP। मेरा हेलमेट वेस्ट ऑलरेडी डैमेज था और उसका एम मेरे पास ऑलरेडी था, जिस वजह से मैं मारा गया। लेकिन भाई बोट का क्या कहना, बोट अपनी ड्यूटी हमेशा निभाते हैं, और ऐसे टाइम में वो आते हैं कि पूछो मत।
अब भाई एक गाड़ी वाला आया है जिससे अभी मैं इतना बचूंगा कि पूछो मत। वो बंदा रुक चुका है सामने, वो भी रैंक पुश कर रहा है, जो कि अपार्टमेंट सबसे अच्छी जगह है कैंपर्स के लिए जिनको हम मारने आए थे। अब हमने सीधे उस पर बोल दिया धावा। हमें तो लग रहा था कि ऊपर दो बंदे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट पता नहीं कि ऊपर एक है या दो बंदे हैं। वो तो तभी पता चलेगा जब हम इसको कंटिन्यू करेंगे। अब गाइस मेरा जो टीममेट है वो स्मोक डाल के यहाँ पे उसका टीपीपी जो है ब्लॉक कर रहा है, डाल दिया मैक्स, रुक जा। और ऊपर से उसका नेड आ जाता है। आजा, मैं आगे जा रहा हूँ। टॉप पे, टॉप पे। एनिमीज अहेड। तो तुमने देखा गया इसकी क्या कांड हो चुका था। अगर भाई मेरा टीममेट मुझे बचाता नहीं तो भाई मेरी बहुत गंदी वाली माइनस हो जाती। अब भाई मैं यहाँ पे आ चुका था, रास्ते में मुझे एक मिला ड्रॉप जिसका पूरा पूरा फायदा उठाया, और यहाँ पे मैंने ले लिया ग्रोजा। अब सामने है टीम जिनको अभी हम मारेंगे, और जो कि जिन्होंने फ्लेयर मंगाई है ऑलरेडी इनके पास मशीन MK40 लेके बैठे हुए हैं। तो तुम जैसा कि देख सकते हो धुआं हुआ कर रखा है लॉन्डे ने पूरा, एकदम बढ़िया से लूट लुटाई चल रही है। लेकिन अभी एक बंदा यहां से लूट के निकल रहा होता है। लेट्स गो। जिसको इजीली मैं नॉक कर देता हूं, लेकिन अभी मेरे साथ स्कैम हो जाएगा क्योंकि मुझे बंदे की पोजीशन नहीं पता होती कि बंदा है कहां पे एग्जैक्ट। भाई मशीन गन प्लस ग्रोजा, मतलब एकदम से सरप्राइज दे दिया उसने, सरप्राइज। अब जो कांड यहाँ पे होगा ना भाई इन लोगों के साथ, वो तो भाई देखने लायक। इसको मैंने दूर से स्प्रे देकर एक को बंदे को नॉक करा था, फिर मैंने यहाँ पे डायरेक्टली रश कर दिया था, और यहाँ पे दोनों किल्स मेरे को मिल जाते हैं। तभी मैं यहाँ से जाने लगता हूँ, और मुझे अचानक पता चलता है कि भाई बंदे और आ चुके हैं। किसको अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कैसीटो भाई का डायलॉग, गोली चलेगी जब तक तब तक जब तक पेटी ना बने तब तक। अब भाई उसको मारने के बाद हम आ चुके हैं भाई पोचंकी के इधर वाले घर में, और जो जो ये दो बंदे हैं ना, इनको ढूंढ ढूंढ के कम से हमने 15-20 में लगा दी गई दो बंदों को ढूंढने में, लेकिन हमें कहीं भी नहीं मिल रहे थे, कहीं भी नहीं मिल रहे थे। मैंने एडिटिंग करके कम से कम 5-10 मिनट का पार्ट यहाँ से गायब करा है, वो इसीलिए क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि बोरी। तो मेरा टीममेट बोलता है कि भाई मैं तो मर रहा हूँ, और भाई मैं बिल्कुल बोर हो चुका हूँ क्योंकि वो दो बंदे ढूंढ ढूंढ के थक गए थे। वो इतना हार्ड कैम कर रहे थे, इतना तगड़ा रैंक पुश कर रहे थे। तभी भाई यहाँ पे मेरे साथ जो स्कैम होने वाला है ना, वो देखो मैं अपने टीममेट को कॉल दे रहा हूँ कि भाई मेरे को रिवाइव दे, रिवाइव दे, और ये देखो भाई ये तो मेरे साथ स्कैम हुआ ना भाई, इतना गंदा लगा क्या ही बताऊं। पर मैंने अपने साथ वाले से बोला कि देख मुझे चाहिए बदला, खून के बदले खून, मौत का बदला मौत से लिया जाएगा। तो जिस बंदे ने मुझे मारा है ना भाई, वो है सामने, और जो लेगा।
तुम्हें क्या लगता है बदला लिया जाएगा? भाई उसने कुछ चाइना की वॉल बनाती थी, चाइना की वॉल। इतना शातिर बंदा था, स्मोक कर करके कर करके इतनी दूर से वो यहां आ चुका है। और अभी देखो कि जो मेरा टीममेट है वो 1 HP बचेगा। अभी मजे मजे में पूरा का पूरा ये फिनिश हो जाता, अगर ये बचा है ना तो भाई लेवल 3 हेलमेट की वजह से बच गया, नहीं तो इसका काम हो चुका था। रुक रुक दे रहा था भाई, वो बंदा इतना शातिर था, इतना तगड़ा कैम कर रहा था, हल्का सा भी अपने आप को बॉडी अपनी एक्सपोज नहीं कर रहा था, बिल्कुल हार्डली कैम कर रहा था, हार्डली टीपी भी ले रहा था। पर इसका जो इसके साथ जो स्कैम होगा ना भाई, अभी वो देखो इसके साथ इतना गंदा स्कैम होगा कि ये खुद भी नहीं, इसे खुद भी नहीं पता था कि ये मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पे यकीन नहीं होता। तो गाइस देखो वो नेड पे नेड, मॉली पे मॉली डालने में लगा हुआ था कि मेरा टीममेट मर जाए और जो मेरा बदला है ना गाइस वो अधूरा रह जाए, लेकिन नहीं, मेरा टीममेट फैजू सबका बदला लेगा, सबका बदला लेगा और चिकन डिनर अपन ही खाएंगे। अब उसके साथ स्कैम होने वाला गाइस, देखना अभी कितना तगड़ा स्कैम होगा इसके साथ। और गाइस ये हो चुका है स्कैम, उधर से मार दिया उस बेचारे को। और यहाँ पे फाइनली हो चुका है चिकन डिनर। आई होप कि आप सभी लोगों को गेम प्ले बहुत अच्छा लगा होगा। अगर गेम प्ले अच्छा लगा तो प्लीज़ मेक श्योर लाइक एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ऐसे ही गेम प्ले ऐसे वीडियोस आते रहेंगे, धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि भाई मैं और भी अच्छे अच्छे कॉन्टेंट इस चैनल पर डालूँ और भी अच्छे अच्छे गेम प्लेज लाऊँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो मेक श्योर लाइक कॉमेंट शेयर करना जरूर, और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करना क्योंकि वहाँ पर ही बहुत बड़े अनाउंसमेंट करने वाला हूँ।